Assalamualaikum, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। आज के अनबॉक्सिंग वीडियो कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है, इतना इसके लिए अरेंजमेंट किया है। और आज की जो वीडियो है ना, वो आने वाली हर वीडियो में दम लाएगी। तो आप लोगों को पता है कि मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए कोई भी माइक वाइक नहीं यूज़ करता। मैंने एक मंगवाया था जो कि ये रहा मेरा माइक। ये माइक पहले मैं यूज़ करता था, लेकिन पता ही नहीं चलता था कि ऑन है या बंद, इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी। मैंने दराज से मंगवाया था, मेरा पूरा पैसा ज़ाया हो गया। तो ये टिकटॉक माइक था, कभी नहीं ख़रीदना, किसी काम का नहीं है। अजान हो ये माइक यार बिल्कुल बिल्कुल बेकार था, किसी काम का नहीं था। तो ये था माइक, इसको हम लगाते थे यहाँ पर, फेंको इसको। तो अपने स्टैंड में प्रोडक्ट लाया जाए। आज क्यूब नहीं अनबॉक्स करना, आज करना है माइक। तो वापसी ले ले, प्रोडक्ट लाया जाए। तो भैया आ गया है हमारा प्रोडक्ट, इसके अंदर है मेरा माइक। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव माइक है, लेट्स अनबॉक्स इट। मजाक कर रहा हूँ, 1000 रुपए का। इसकी वैसे रियल कीमत है 1160, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो देखो 1159। तो चलो स्कोप करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये है, यहाँ लगता है ब्लूटूथ वाले मेरे ख्याल से, और जो मोबाइल की जहाँ चार्जिंग होती है वहाँ लगता है। अब चलते हैं अपने सेटअप पे और करते हैं अनबॉक्स। तो भाई ये रहा अपना वो माइक, और ये रही कैंची इसको खोलने के लिए। तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस ख़राब ना हो, यहाँ से खोलते हैं। और आप लोगों को मैंने दिखाया था ये रहा 1159 का, तो इसको खोलते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी साइड करते हैं। और बबल रैप, एक्साइटमेंट इतनी होती है बबल रैप निकलते हैं। इसको भी साइड। ओ भाई साहब, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मतलब यार देखो तो के 8, इसको भी खोल लेते हैं। यार मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इसको यूज करने की। ये कहाँ से खुलता है? अब यहाँ टेप लगी हुई है, एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस अंदर ख़राब ना निकले। ओ भाई साहब, इसके ऊपर शीट चढ़ी है और ये सब लिखा हुआ है। तो इसको भी करते हैं अनबॉक्स, इसकी पन्नी फाड़ते हैं। इसकी भी अनबॉक्सिंग कर ली हमने आईफोन की, तो अब इसको बस खोलते हैं। खोलने पहले एक सबसे जो चीज लाजमी होती है वो ये है भाई, ये तो फुल फूले में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसका एक अलग ही लेवल का मजा है। इसको साइड करते हैं, एक पहले मैं सारा कचरा हटा लेता हूँ। तो चलो इसको खोलते हैं अब। ये रहा माइक, ये इसका बॉक्स, ये क्या है, चार्जर है ये। पहले चार्जर देख लेते हैं, माइक पे एंड में आएंगे। ये पैकेजिंग चेक करो बस, ये अंदर क्यों दबा हुआ है ये नहीं समझ आ रहा। एक मिनट, ये मेरा कुछ सेटअप गिर रहा है। हाँ तो हम चार्जर निकाल लेते हैं। निकल जा भाई। 2000 years later. निकल गया। चार्जर की पैकेजिंग भी क्या की हुई है, और अंदर सिर्फ एक केबल है और टाइप सी केबल है। मेरा फ़ोन भी टाइप सी है, ये अच्छी बात है। इसको वापसी डालते हैं, पैक करते हैं और वापसी यहाँ पे ठोक देते हैं। और भाई अब फाइनल जो टाइम है माइक का,
ये रहा माइक भाई, ये ऑन ऑफ का बटन, और ये एक सेकेंड, ये यूज्ड तो नहीं लग रहा। नहीं, शीट है, शीट पे स्क्रैचेस थे, मुझे लगा यूज्ड है। तो ये रहे वो माइक, एक हमारे कॉलर में लगेगा और एक तो राहिम शोर कर रहा है, बोला आराम से बैठ जाओ। ये माइक हमारे कॉलर में लगेगा और ये हमारे फ़ोन के जैक में, और इसका ये जो शीट है ये तो मैं नहीं उतार रहा अभी। तो इसका ऑन का बटन ये रहा, इसको भी ऑन करते हैं एक बार, इसको साइड कर लें कि अब तक चार्ज हो भी ना हो। और वही इसके मैंने, राहिम आराम से बैठ जा, टॉफियां खा रहा है, शोर कर रहा है। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे और फाइनली इसको करते हैं ऑन। यहाँ से होगा ये लाइट, चली 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 लाइट, चली लाइट चली। सीट उतार दूँ? क्यों उतार दो। उतारूँ, अभी 1-2 साल चलेगी। और ऑन हो गई है, अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं। यार बात मैंने अभी नोट की, मुझे समझ नहीं आता कनेक्ट कैसे होगा, तो ये मैंने यूट्यूब पे देखा, मुझे समझ आया। समझ तो कुछ नहीं आया, बस ये पता चला कि सेटअप गिर रहा, ये पता चला कि इसके डब्बे के अंदर एक ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, मैनुअल, मैनुअल भी है। तो इसके अंदर फिर मुझे बाद में पता चला कनेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ लिखा हुआ था एक पेज पे, ये रहा हाउ टू यूज्ड। इसके लिए हमें OTG ऑन करनी पड़ती है सेटिंग से, और फिर ये कनेक्ट होता है। तो मैं कनेक्ट करके मिलता हूँ। तो ये कनेक्ट हो गया, और अभी जो आपको मेरी आवाज़ आ रही है माइक से आ रही है, मुझे नहीं पता कैसी, आपके सामने टेस्ट करो। अब मैं जा रहा हूँ दूर, थोड़ा दूर जा रहा हूँ, मतलब मैं कमरे के एंड में जा रहा हूँ। बता रहा हूँ आवाज़ आ रही है, मुझे तो नहीं पता कि आ रही है, मैं जल्दी में आके मार दूँ या बहुत शोर है, मुझे नहीं पता वीडियो में आवाज़ आई है नहीं। तो मैं वापसी आ गया अपने रूम में जहाँ मैं वीडियो बना रहा था। अब मैं इसकी फुटेज चेक करता हूँ कि आवाज़ आई है या नहीं, अब मैं देखता हूँ आवाज़ आई है या नहीं। तो अब उस फोन से तो आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन इस फोन से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ दूर, आप इसकी आवाज़ सुनो, जा रहा हूँ और दूर। अब मैं इतना दूर आ गया हूँ, अभी आप, मैं आराम से बोल रहा हूँ बिल्कुल माइक में आराम से। अब आप बताना कैसी आवाज़ है, और दूर चला जाता हूँ। अब आप लोग बताना कि कैसी आवाज़ है, मैं बहुत ज़्यादा दूर आके खड़ा हो गया कमरे के एंड तक। मुझे पता है अभी भी आपको सही आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल, बाकी मेरे फ़ोन में पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं चला है ये भाई। तो मैंने अभी अभी रिकॉर्डिंग चेक की, और बालकनी में जाके इतनी अच्छी इसकी आवाज़ है, बट मैं कोशिश करूँगा मेरे फ़ोन में भी चल जाए, क्योंकि मैं ब्लॉग इससे तो बनाता नहीं, उसी से बनाता हूँ। और बस मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो एंड करते हैं अभी। नहीं भाई, क्या बढ़िया चीज़ यार, अभी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी, मैं तो भाई बहुत काम का, लेकिन यार बस मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाए। अब मैं दोबारा इसको टेस्ट करता हूँ, यहाँ मैंने लगा दिया, अब ये एक बार यहाँ लगा देता हूँ कॉलर पे। हाँ, तो कॉलर पे लग गया, अब दूर गया और दूर और दूर। अब आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है बिल्कुल, मैंने अभी अभी रिकॉर्डिंग चेक की है, मुझे पता है बिल्कुल अच्छी आ रही है। अब एक काम करता हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ रख के, फ़ोन यहाँ पे रख के बिल्कुल घर के एंड में चला जाता हूँ, सही है, बिल्कुल बहुत दूर जाता हूँ। आप फिर देखता हूँ आवाज़ आएगी, अभी तो आ रही है, यहाँ तक तो मैं पहले भी आया था, मुझे पता आई है। अब चलते हैं बाहर बालकनी में, वही बालकनी में तो इतना शोर होता है, अब पता नहीं इतनी इसकी रेंज होगी या नहीं। अब जगह तो मुझे वहीं देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ है, अच्छी चीज़ है बहुत। बस मेरे फ़ोन में चल जाए यार, मैं दुआ करूँ मैंने, क्योंकि अपने फ़ोन के लिए मंगवाया है। अब देखो मैं वापसी आ गया हूँ, और अब मैं देखता हूँ कैसी आवाज़ आई। तो ये माइक पता नहीं इस फ़ोन से नहीं कनेक्ट हो रहा, दूसरे फ़ोन से मैंने ट्राई किया उससे बिल्कुल सही हो गया कनेक्ट, इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, इससे मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने का। तो फाइनली आपको ये आवाज़ मेरे माइक से आ रही है, आप बताऊँ क्यों? मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये ओप्पो रिनो 2 में, 2Z में ये काम नहीं कर रहा, तो हाउ टू वर्क, मतलब ऐसा कुछ सर्च किया, और इसकी एक अलग से ऐप है ओपन कैमरा नाम के, कुछ कुछ फ़ोनों में चल जाता है, कुछ कुछ में ये नहीं चलता। मतलब रेडमी का फ़ोन जो पहले था, रेडमी नोट 10 प्रो, उसमें चल रहा था, इसमें नहीं चल रहा था। तो इसके लिए ऐप है ओपन कैमरा, उसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं एक वीडियो देख रही थी, उससे मुझे सेटिंग का पता चल गया था, ओप्पो के फ़ोन में मतलब ये नहीं चलेगा। और ये देखो, उसमें लाइट भी चल रही है, मतलब ये कनेक्ट है। कनेक्ट करने के लिए OTG ऑन करो, पहले ये
जो चार्जिंग वाली जगह पे लगा है इसको लगा के ओटीजी ऑन करो, फिर माइक ऑन कर दो, खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। और बस ऐप में आके वीडियो बनाओ, ज़्यादा कोई इसका सिस्टम विस्टम नहीं है। और अब मैं इसकी भी टेस्टिंग कराता हूँ, दूर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फोन, तो मैं जा रहा हूँ दूर, और वापसी से मैं जा रहा हूँ बालकनी में, जैसे पहले गया था मैं। वहां जाके मैं आपसे बातें करूंगा भाई, मुझे आपके सामने वहाँ वीडियो में बात करने में मजा नहीं आता, इसलिए मैं बालकनी में आ रही हूँ। और यहाँ बहुत ज्यादा शोर है, मुझे पता है आवाज अच्छी आ रही है, बिल्कुल अच्छी आ रही है, एकदम ओपी वाली आवाज आ रही है। और आपको ये माइक कैसा लगा जल्दी से बता देना कमेंट में, आ गई है ना आवाज। तो भाई पहले तो मैं बहुत ज्यादा सैड था, लेकिन अब खुश हो गया क्योंकि मेरा माइक चल गया है। अब इसको कॉलर पे लगा के मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा, ब्लॉग्स बनाऊंगा, और एक चीज रह गई, इसकी शीट अभी उतारूंगा मैं। तो अब टाइम है इसकी स्टिकर्स उतारने का। तो पहले ये मजा आ गया, अब इसके अब ये फाइनल एक बड़ा वाला इसका, और ये भी उतर गया, और वही इतना शाइनी है बिल्कुल, ये भी और ये भी फुल शाइनी है। तो मैंने इनके स्टिकर्स उतार दिए, ये देखो, और फुल शाइनी हो गया। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये माइक वर्थ इट लगा या नहीं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग, मिलते हैं अगले, नहीं आजकल वैसे थोड़े दिन तक मेरे व्लॉग नहीं आएंगे, आपको बताया था कि एग्जाम्स है मेरे। तो मिलते हैं थोड़े दिनों बाद किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।